व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। स्वागत करते झारखंड की राजधानी रांची प्लेटफॉर्म से। देखिए बैकग्राउंड, देखिए मैं अभी हूँ रांची स्टेशन में। आप लोग को तो पता है मैं रांची में क्यों हूँ। मैं हावड़ा से ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस से चुनार गया, उधर से स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस से रांची आया। तो यही आज मैं रांची हूँ। आज रांची से घर वापस भागूंगा प्रियाजोगा एक्सप्रेस से। आज हमारा जर्नी होने वाला है ट्रेन नंबर 18616। और मैं आज अकेला नहीं, कितना सारा रेल फैन देखिए। हाँ, पूरा एकदम रेल फैन की टोली जिसको बोलता है। तो आज हमारा जर्नी होने वाला है 18616 हाथिया हावड़ा प्रियाजोगा एक्सप्रेस में। तो मैं आज पूरा एकदम, मैं हाथिया से नहीं रांची से वोट करूंगा, क्योंकि हाथिया से थोड़ा 6-7 किलोमीटर है। तो रांची से पूरा एकदम हावड़ा तक पूरा जर्नी दिखाऊंगा। तो जल्दी चलिए स्टेशन के अंदर जाते हैं, उसके बाद में सब कुछ बताऊंगा, मतलब फेयर टाइमिंग सब कुछ बता दूंगा। तो जल्दी चलिए एक बढ़िया जर्नी हाईलाइट देखिए, स्टेशन के अंदर जाते हैं, उसके बाद आप लोग से बातचीत करते हैं। गाइस प्रियाजोगा एक्सप्रेस एकदम बैंग ऑन टाइम 10:10 पे रांची से खुल चुका है। देखिए डिपार्टिंग
गाइस, क्रिया जोगा एक्सप्रेस का मेरा जर्नी का फास्ट शेड्यूल हॉल्ट आ गया है मुड़ी जंक्शन। क्रिया जोगा एक्सप्रेस का मुड़ी में 20 मिनट का हॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पर लोको रिवर्स होगा। मतलब हम लोग किस डायरेक्शन से आ रहा था, आप लोको उधर से रिवर्स होके हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस इधर मतलब टाटा की रूट में जाएंगे बड़ा भूम होके। और इधर जो लाइन जाएगा वो एक लाइन चला जाएगा आपको सीधा मैं जो लाइन में आया था स्वर्ण जयंती से और बड़का का ना की तरफ, एक लाइन चल जाएगा। और मुड़ी का स्टेशन कोड है MURI मुड़ी, और मुड़ी में 3 प्लेटफॉर्म है, और मुड़ी रांची डिवीजन में आता है, और यही है स्टेशन, और ACR डिवीजन में आता है मुड़ी। तो यही है, ठीक है, देख लीजिए। और बहुत नींद आ रहा है क्योंकि कंटिन्यूसली एकदम 3 दिन से 3 ट्रेन पूरा एकदम कर रहा हूँ। चंबल में पूरा एकदम कवर किया आप लोग को दिखाया, उसलिए तबीयत एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप लोग समझ नहीं सकते फोन का स्क्रीन में मैं हंस के बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा अंदर क्या हुआ मैं ही समझ सकता हूँ। तो ठीक है, छोड़िए। तो गाइस, मैं यार रात में कुछ नहीं ज़्यादा कुछ कवर करूँगा क्योंकि बहुत तगड़ा नींद आ रहा है। मैं अभी सोऊंगा मुड़ी कवर करके, सिर्फ मुड़ी कवर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लोको रिवर्स होता है, 20 मिनट का हॉल्ट है। मेरे साथ बहुत दोस्त है, एक दोस्त जा रहा है लोको देखने के लिए मेरे साथ, तो अभी लोको देखूंगा, लोको का पिक लूंगा। अंधेरा है, अच्छा पिक नहीं आएगा, तो अभी देखूंगा क्या लोको है, बस लेके कल एकदम खड़गपुर में मिलूंगा आप लोग के साथ। तो ठीक है, चलो आप लोग तब तक देखते रहिए। आ गई हूँ खड़गपुर जंक्शन। खड़गपुर में टाइम था क्रिया जोगा का 4:23, और यहाँ पर से डिपार्चर है 4:28, मतलब 5 मिनट का हॉल्ट है क्रिया जोगा का। और ट्रेन यहाँ पर 2 मिनट बिफोर आया है, और रात में बहुत तगड़ा नींद आया था, इसलिए मूवी के बाद सो गया था, कुछ नहीं दिखाया। उठा था झारग्राम में, लेकिन दिखाने का मन नहीं किया, इतना नींद था ना, तो इसलिए खड़गपुर में उठा। तो ये खड़गपुर जंक्शन, तो आप लोग से सीधा मिलूंगा हावड़ा में। और खड़गपुर तो इंडिया का 4th लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है, और खड़गपुर में 12 प्लेटफॉर्म है, और खड़गपुर ACR जोन में आता है, डिवीजन खड़गपुर खुद एक डिवीजन है, यही है। तो ठीक है, चलिए आप लोग के साथ एकदम सीधा हावड़ा में मिलते हैं। हाँ, चलिए। टॉयलेट और वाशरूम जाने से पहले सामने देख लीजिए, हमेशा की तरह इधर एक बड़ा सा मिरर है। ये मिरर बहुत ही साफ है, मोड़ा एकदम क्लीन, इतना साफ जो एकदम पूरा देखिए, पूरा एकदम फ्रेश दिखाई दे रहा है। इधर इंडियन रेलवे का साइन मार्क है इधर, और इधर देखिए सो होल्डर, और इधर है टैप में से पानी आ रहा है, और बेसिन भी एकदम साफ सुथरा है, और नीचे पे डस्टबिन है, और इसमें नीचे एकदम जमीन में ही रख के चल गया फायर एक्सटिंग्विशर डिसिंफेक्टेंट पाउडर। इधर पे कोई डस्टबिन नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छा है। चलिए अंदर जाते हैं।
28 में अभी 18616 हाथिया हावड़ा कुड़ियाजोगा एक्सप्रेस का टॉयलेट का अंदर आ चुका हूँ। तो सामने देखिए एक मिरर है, लेकिन ये मिरर टूटा हुआ है। इधर से देखिए टूटा हुआ है, पूरा पूरा बड़ा है नहीं है, इतना बड़ा है लेकिन मिरर इतना छोटा है। ऐसे मिरर साफ है लेकिन टूटा है। और इधर एक लाइट है, और इधर देखिए टैप में से पानी आ रहा है। बेसिन भी है, ये डस्टबिन भी है, और इधर तो है ठीक ठाक। इधर फ्लैश है और एक हैंडल मॉक ठीक ठाक है, और जैसे होता है इधर हैंगिंग सब कुछ। और इधर दो रोशन बस यही है। और टॉयलेट की बात की जाए तो मैं 10 में से इसको 5 दूंगा, क्योंकि ठीक ठाक है लेकिन गंदी आ रहा है, मतलब गंदा है थोड़ा, तो इसलिए ठीक है चलिए बाहर जाते हैं।
जंक्शन, हमारा जर्नी का लास्ट लास्ट शेड्यूल हॉल्ट सांतरागाछी, इसके बाद हावड़ा। इधर देखिए क्रियाजोगा एक्सप्रेस और सांतरागाछी का स्टेशन कोड है SRC और यहाँ पर क्रियाजोगा एक्सप्रेस का सिर्फ एक मिनट का हॉल्ट है और ट्रेन एकदम बैंग ऑन टाइम चल रहा है ठीक ठाक। और हो गया इतना बड़ा अच्छा जर्नी, अब हावड़ा पहुँचेगा एकदम पूरा जर्नी ख़त्म होगा। तो यही देखते रहिए आप लोग, और सांतरागाछी इस चीज़ के लिए फेमस है आप लोग को तो पता है, मतलब इधर एक झील है उधर बहुत माइग्रेटरी पैराडाइज बर्ड्स जो आता है ना, मतलब जिसको बोलते हैं परिजाई पाखी, तो बहुत सब आता है उसके लिए सांतरागाछी झील फेमस है। ऐसा जो विंटर में पिकनिक विकनिक करने के लिए टाइम पास करने के लिए बहुत आता है इधर घूमने के लिए। और सांतरागाछी में तो आर्ट शेड है इधर पूरा एकदम, और सांतरागाछी का खुद का ELSB है जिसका खुद का इलेक्ट्रिक लोको शेड। और यह तो कोचिंग ईयर डे जहाँ हावड़ा का सभी ट्रेन है SER का, शालीमार सांतरागाछी हावड़ा का इधर आता है, देखिए सब ट्रेन खड़ा है इधर। तो ठीक है चलिए आप लोग से एकदम सीधे हावड़ा में मिलते हैं। गाइस फाइनली आ गई हावड़ा, देखिए हावड़ा स्टेशन और इधर है क्रियाजोगा एक्सप्रेस। ट्रेन का टाइम था हावड़ा में 6:30 और ट्रेन आया है 6:20, मतलब 10 मिनट बिफोर। रन की बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया रन दिया एकदम, मैं सो गया था इसलिए टाटा से आप लोग को नहीं दिखा पाया, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग को तो उस रूट कवर करके दिखा चुका हूँ। और ट्रेन का टाइमिंग्स फेयर सब कुछ, मतलब सब इन्फॉर्मेशन डिटेल वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ जाके देख लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी नए ट्रांजेंडर के साथ, तब तक आप लोग अच्छे रहे एकदम सुस्त रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही नए नए वीडियो आपका भाई लाते रहेगा। देख रहे तो क्या हाल है, इतना मेहनत करते हो, इतना अच्छा लगता है ट्रेन जर्नी करते लिए करते, आप लोग को कुछ नहीं करना है सिर्फ एक सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको भाई को प्यार करते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगता तो लाइक कर दीजिए, बोलना क्यों पड़ता है भाई लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए अच्छा लगे तो। हाँ अगर किसी का अच्छा नहीं लगता तो अलग बात है, वो मैं नहीं बोल रहा करना ही पड़ेगा ऐसा कुछ। तो ठीक है चलिए मैं बाद में मिलूँगा सब कुछ एकदम देखने के बाद, चलिए मिलते हैं किसी नए जानने के साथ, तब तक आप लोग बने रहे एकदम सुस्त रहे। जय हिंद, जय वंदे भारत, टाटा।